नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण के नॉमिनेशन के चौथे दिन प्रत्याशियों की काफी संख्या में भीड़ उमड़ी, जिसमें विभिन्न पद के प्रत्याशी सुबह 11 बजे से ही अपने समर्थकों के साथ विकास भवन नॉमिनेशन प्रक्रिया करने के लिए पहुंचने लगे, जिसमें विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षदों ने भी विकास भवन पहुंचकर अपना अपना नामांकन दाखिल किया। वार्ड नंबर 4 से बतौर वार्ड पार्षद प्रत्याशी ललिता देवी ने अपना नामांकन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ललिता देवी के पुत्र संजय ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से समाज सेवा में लगा हूं और निस्वार्थ भाव से लोगों की समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। लोगों के समर्थन मिलने के बाद आज अपनी मां ललिता देवी को वार्ड पार्षद के लिए नॉमिनेशन दिलवाया हूं। आशा करता हूं कि जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा, जिससे अपने वार्ड और वार्डवासियों के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। अभी आपकी माँ जो है वो वार्ड पार्षद से नामांकन दाखिल की है, क्या रोड मैप रहेगा इनका, कैसे अगर जनता प्यार आशीर्वाद देती है तो कैसे काम करेंगे? काम करेंगे, रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे, वृद्धा पेंशन कराएंगे, इंदिरा आवास कराएंगे, जो होता है जनता का सेवा वो करते रहेंगे। जैसे पूर्व में किए हैं, 10 साल किए हैं पूर्व में वार्ड सदस्य में, वैसे करते रहेंगे। जितने में किस किस तरह की अभी समस्या लग रही है जो आगे आपको जितने अभी नाला का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, ठीक, गरीब आदमी को इंदिरा आवास की दिक्कत है, इसी सब का समस्या है। क्या नाम हुआ? संजय ठाकुर। प्रत्याशी का क्या नाम? ललिता देवी। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 4।